अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, भेजे फ्राई की। मैंने यहाँ पर भेजल को अच्छी तरह से साफ करके धो के रख दी हूँ। मैंने जब भेजल आए थे तो इसमें ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी डाल के थोड़ी देर भिगने को रख दी थी, तो इसके जो भी नशा आई है वह निकल गए थे। ठंडा पानी डाल के रखे तो आधा घंटा तो जल भेजा अच्छी तरह से साफ हो जाता है जल्दी। देखिए मैंने अच्छी तरह से धो के रख दी हो भेजे को। अब हम भेजे को फ्राई करेंगे। भेजा फ्राई करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने यहाँ पर 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, 1 स्पून मिर्ची ली हूँ, 1 स्पून धनिया पाउडर ली हूँ, 1 स्पून जीरा पाउडर ली हूँ, 1 स्पून नमक, 1/2 स्पून हल्दी, 2। चलिए अब हम रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया है, इसमें हम 2 कली तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। देखिए गाइस हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट में हम पूरे तमाम मसाले ऐड करेंगे। इसको थोड़ा भून के हम इसमें भेजा ऐड करेंगे। देखिए हमारा भेजा फ्राई हो गया है, इतनी अच्छी तरह से हमने भेजा फ्राई कर दी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए गाइस हमने डिश आउट कर लिया है।